नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माई चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा हॉलीहॉक जो प्लांट मैंने सीडलिंग्स किया था उस सीडलिंग्स का क्या अपडेट है, और उसको प्लांटेशन करके भी दिखाऊंगा, और इसके लिए जो सॉइल है, सॉइल मिक्सचर कैसा है, उसके ऊपर भी मैं जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले तो दिखाता हूँ मेरा हॉलीहॉक प्लांट जो सीडलिंग्स है वो कैसा है, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि उसके लिए सॉइल मिक्सचर कैसा है, वो सॉइल कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, कैसे उसके लिए सॉइल कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, और उसके बाद जो है मैं इसका प्लांटेशन करूँगा। तो दोस्तों पहले देखिए, ये देखिए मैंने जो सीडलिंग्स किया तो ये बहुत ही अच्छी तरह मतलब इसका ग्रोथ हो रहा है। ये देखिए, ये इसके साथ मैंने मैरीगोल्ड को भी प्लांटेशन करके रखा, तो साथ साथ ये भी ग्रोथ, इसका भी ग्रोथ हो रहा है। तो इस ये तो जो है प्लांटेशन कर लूँगा मैं अभी इसको निकाल के, तो इसके बाद जो है इसमें मैरीगोल्ड भी तैयार हो जाएगा, तो इसका ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छा है। अभी जो है इसका प्लांटेशन का टाइम हो गया। देखिए ये दोनों में इसमें से एक ही निकला, ये इसमें से जो है बहुत बहुत सारा जो है, एक दो तीन चार पाँच मतलब करीबन छः सात जो है इसमें सीडलिंग्स है। तो दोस्तों चलिए, ये सॉइल जो है पुराना ही है, तो इसको थोड़ा बहुत रिचार्ज करके इसी सॉइल को मैं इस्तेमाल करूँगा। तो एक केजी करीबन वर्मी कंपोस्ट मैंने डाला, और तीन चार मुट्ठी जो है ये नीम खली है, और दो स्पून जो है टीस्पून के करीबन जो है फंगिसाइड इसमें मैंने मिक्स किया। तो ये ऑलरेडी वेल ड्रेन सॉइल है, इसमें सैंड मिला हुआ है। तो अगर आप न्यू सॉइल आप तैयार करेंगे तो 40% जो है आप इसमें गार्डन सॉइल लीजिए, और 40% जो है आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर आप इसमें इस्तेमाल कीजिए, और साथ में आप जो है 20% इसको सैंड मिलाइए। तो दोस्तों चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं पॉट को रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसका जो हॉलीहॉक प्लांट जो कि एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है, तो उसके प्लांटेशन आपको मैं दिखाऊँगा। तो चलिए इसको पहले मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो है मैंने मिक्स कर लिया, अब नीचे वाला लेयर जो है वो कोकोपीट से थोड़ा सा मैंने भर दिया, तो इससे मतलब आपका जो सॉइल है वो नीचे नहीं आएगा, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी मतलब ठीक रहेगा, वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं इसको भर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो पॉट है मैंने फिल कर लिया सॉइल से, तो ये दो नीचे है, एक ऊपर मैंने लाया, इसको मैंने अभी मैं एक को जो है मैं प्लांटेशन करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं निकल लेता हूँ, ये देखिए ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ये देखिए, ये देखिए। तो इसको फिर मैंने इसमें प्लांटेशन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये प्लांटेशन कर दिया दोस्तों, इसको जो है अभी थोड़ा वाटरिंग कर देते हैं। इसको एक बार जो है फुल वाटरिंग करना है, उसके बाद जो है इसमें मॉइस्चर मेंटेन रखना है कुछ दिन, और दो तीन दिन कम से कम जो है आप इसको छाया में रखें, उसके बाद इसको धूप में आप इसको शिफ्ट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो है मैंने प्लांटेशन कर दिया, तो मैंने पांचों को जो है प्लांटेशन किया, क्योंकि जो मैंने सॉइल मिक्सचर रेडी किया था तो वो उसमें पांच ही गमला मतलब पूरा हुआ, तो बाकी दो तीन जो है और सीडलिंग्स, ये देखिए ये दो तीन जो है बचा है, अभी इसको भी मैं प्लांटेशन कर लूँगा, शिफ्ट कर लूँगा दूसरे पॉट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो हॉली प्लांटेशन और सीडलिंग्स का जो अपडेट है आपने देखा और अच्छा लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए,
ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।